गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। हम तड़का की रेसिपी आज आपसे शेयर करेंगे। ये देखिए तड़का कैसा बना है। रोटी पराठा किसी में भी खा सकते हो। शुरू करते हैं तड़का बनाना। ये भिगा के हमने मिक्स तड़का लिया है 2 कटोरी। 8 घंटा इसको भिगा दिया है। फिर एक कुकर में लेना है, फिर जितना तड़का भिगाया हुआ उतनी पानी, फिर एक बड़ा टमाटर, थोड़ा सा हल्दी 1/2 चम्मच, 1 चम्मच नमक, टमाटर कटा हुआ, इस पर ऐड करके लिड बंद कर देंगे। फिर गैस ऑन करके 2 सीटी लगा देंगे। हाई फ्लेम में 2 सीटी लगेगा। 2 सीटी लग गया, गैस ऑफ कर लेते हैं। दूसरी तरफ एक पैन लेंगे, कढ़ाई, ये 4 eggs, इसको ये देखिए, इस पर थोड़ा सा नमक डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर रहे हैं। इसके बाद ये थोड़ा सा ऑयल इसमें डालना है पैन में। फिर ये अंडे को मिक्स कर लेना है। देखिए अंडा फ्राई कर लेने के बाद इसको अलग से निकाल के रख देंगे। फिर थोड़ा सा तेल लेना है, उस पर एक कटा हुआ छोटा छोटा करके लहसुन और अदरक, कच्चा मिर्ची, सूखा मिर्ची और प्याज, इस सबको ऐड कर लेना है। बस इसको 2 मिनट फ्राई करना है। हल्का लाल हो जाने के बाद इस पर मसाला ऐड करना है। अदरक लहसुन पेस्ट 1/2 चम्मच और जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच, नमक 1 चुटकी अंदाज से, सिर्फ ये मसाले के लिए नमक डालना है। तड़के पर हमने नमक डाला है, देख के डालना। देखिए तड़का सिझ गया, चेक कर लिए, मसाला भी भुनी हो गया। इस पर तड़का ऐड कर लेना है। ये देखिए 5 मिनट तक इसको पकाना है। देखिए अब इस पर तड़का मसाला 1 चम्मच ऐड करना है। फिर ये अंडा जो हमने खटर के रखा था वो ऐड कर लेना है, अंडे का भुजिया। फिर इसको 2 मिनट पकने देना है। देखिए इतना थिक रखना है, रोटी पराठे में लगा के खा सकते हैं। फिर कुछ तड़का मसाला डालना है 1 चम्मच और धनिया पत्ता डाल के गैस ऑफ कर लेना, लीड बंद कर देना है। ये देखिए फिर 5 मिनट के बाद इसको सर्व कर लेते हैं। कितना मज़ेदार तड़का बना है, आप देख सकते हो। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और कैसा बना हमें कमेंट पर ज़रूर बताइएगा।
हमारे घर वालों को बहुत पसंद है, आपको भी उम्मीद है पसंद आएगा। इस तरीके से बना के एक बार देखिए।